मेरी जो नेल है ये काफ़ी बीच बीच से हाथ के पैर के टूट जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैं नेल ग्रोथ के लिए ली हूँ, नेल जो है डैमेज हो रहे थे मेरे बीच बीच से, यहाँ से देख सकते हो फट जाते थे, यहाँ से बीच बीच से फट जा रहे थे, अजीब टाइप हो रहा था, पैर में कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, हाथों के नेल में भी यहाँ भी देख सकते हो यहाँ से बीच बीच से ऐसे ऐसे डैमेज हो रहे थे नेल, तो इनको ये रिपेयर करता है ऐसा मैंने इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा खासा देखा, तो मैं मंगाई। ये मुझे पड़ा है अंडर 200 का और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। फ्लैक्सीड ऑयल, रेडिश ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल, लाइम पील, एगेम ओटी, लेमन ग्रास ऑयल और कैरेटीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओट एक्सट्रैक्ट। डायरेक्शंस आपको दिया गया है कि कैसे इसे लगाना है, तो लिख दिया हुआ है इसमें अप्लाई द ऑयल ऑन नेल्स, टोज एंड आर्टिकल्स एंड जेंटली मसाज इन लीव फॉर एंड लीव इट ओवरनाइट। पूरी रात आपको इसे जेंटली मसाज करना, अपने नेल्स और जो साइड साइड के जो क्यूटिकल्स होते हैं उन पर अप्लाई कर लेना है, अच्छी तरीके से ऐसे रब करके मसाज करना है। मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ और 4-5 दिन से मुझे काफ़ी सही लगा, बट जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट 10-15 दिन यूज नहीं करते हो उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं पता चल पाता, कम से कम 1-2 महीने तो करना ही होगा, 15 दिन में थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ अच्छा है या नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपने पैर के नेल पे इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इस तरीके से आप चाहो तो ईयरबड की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, आपके ऐसे जेंटली मसाज करना है इस तरीके से, ऐसे पाँच फिंगर में पैर के हाथ के मैं ऐसे ही लगा के फिर आपको रात में सो जाना है। ग्लव्स वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ पानी से अवॉइड करिए जब सारे काम हो जाए आपको, एकदम सोने के टाइम इसे अप्लाई कीजिए ताकि आपको पानी या फिर कोई काम छूना ना पड़े, जिससे ये ऑयल जो है उसका असर ख़त्म ना हो। इस वजह से तो मैं सारे काम करके जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं सोने के टाइम में मैं अप्लाई कर रही हूँ इसे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। अगर आपको भी कुछ ऐसा ज़रूरत है, आपके नेल की फंगस वगैरह कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, नेल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं नेल, तो ये इसमें बताया हुआ है रिव्यू में मैंने देखा था कि ये रिपेयर करता है डैमेज नेल को, तो मेरे नेल काफ़ी डैमेज हो रहे थे इस वजह से लिया है, और ये ग्रोथ भी इससे होती है, बट पता नहीं ग्रोथ हो या ना हो, बट मुझे मेरे नेल की जो डैमेज नेल है उसे ठीक करना है, मेन मोटो मेरा यही था इस ऑयल को मंगाने का। सो इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, इस तरीके से मसाज करना है और सो जाना है आपको सिंपली, और पैर के भी नेल पे, मेरे पैर के नेल काफ़ी डैमेज है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसलिए ही मैं मंगाई हूँ, अदरवाइज मुझे इसकी कोई नीड नहीं थी, नेल ग्रोथ के लिए कोई नीड नहीं थी, मुझे नेल डैमेज हो रहे थे उसे ठीक करने के लिए मुझे ज़रूरत था इसका। तो अगर आपको आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे मंगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं और रिजल्ट देख रिपेयर। और ये 30 ml है मुझे ही मिला, इसका MRP 500 है, यहाँ पे देख सकते हो, और मैन्युफैक्चर डेट है June 2021 और कुछ तो लिखा हुआ नहीं है जो बताने लायक हो। हाँ, और वार्निंग दिया हुआ है वही जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली टू पैस टेस्ट ऑन इनर एल्बो, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आई, डिसकंटिन्यू इफ रैश और स्किन इमिटेशन ऑकर्स। तो बस इसलिए ये मुझे काफ़ी सही लगा, अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। छोटू सा प्रोडक्ट रिव्यू आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, पसंद आया होगा, अगर आपको भी कैसे कुछ नेल रिलेटेड ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी ट्राई कर सकते हो जैसे कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने अभी रिव्यू करके दिखाया अपने नेल पे हाथ के और पैरों के। तो बाकी ये मेरा स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके, जिन लोगों के साथ ऐसे नेल में फंगस वगैरह या फिर नेल डैमेज की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा सारे लोग ग्रोथ के लिए भी मरते हैं
मतलब चाहते हैं कि उनकी नेल ग्रोथ हो, नेल की ग्रोथ हो, और लंबे नाखून हर लड़कियों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, सो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वो पसंद आया तो लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।